मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका टहल। नमस्कार, मैं दीक्षा चौहान आज आपके सामने जो विषय लेकर आई हूँ वो है संकट काल में भारत की भूमिका। इतिहास साक्षी है कि जब जब भी दुनिया में संकट आया तब सबसे पहले भारत ने सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाए। आइए इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलकर एवं वर्तमान की भूमिका का विश्लेषण कर भारत के योगदान को समझने का प्रयत्न करते हैं। श्रीलंका में जब प्रभाकरण अपने आतंकी संगठन लिट्टे की सहायता से श्रीलंका के 75% भूभाग पर कब्जा कर चुका था तब भारत ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजकर श्रीलंका के लोगों को लिट्टे के आतंकवादियों से मुक्त करवाया। हम ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तानियों के जुल्मों से आजाद करवाया। वह भारत ही था जिसने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पंचशील के सिद्धांत दिए। आज जब पूरा विश्व मानसिक रोगों का शिकार हो रहा है तब भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित योग को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने का कार्य भी भारत ही कर रहा है। जब पूरा विश्व कोरोना की चपेट में था तब भारत ने ही आयुर्वेदिक उपचारों के साथ साथ कोविशील्ड वैक्सीन दुनिया को उपलब्ध करवाया। मालदीव में जब पानी का संकट आया तब भारत ने ही सबसे पहले पानी से भरा हुआ जहाज मालदीव पहुंचाया। श्रीलंका में बाढ़ आई सबसे पहले भारत ही खाद्य सामग्री एवं दवाइयां लेकर सहायता के लिए पहुंचा। नेपाल में भूकंप आया सबसे पहले भारत ने सहायता के हाथ भेजे और तब तक सहायता करता रहा जब तक कि नेपाल व्यवस्थित नहीं हो जाता और नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए सर्वाधिक $1,00,000,000,000 की धनराशि भारत ने ही दी। जब सऊदी अरब और यमन के बीच युद्ध हो रहा था तब दुनिया भर के नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर युद्ध रोकने के लिए सहमत किया और प्रतिदिन 4 बजे से 11 बजे तक युद्ध रोककर भारतीय ही नहीं अपितु अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे कई शक्तिशाली देशों सहित 48 देशों के 2,500 नागरिकों को सुरक्षित अपने अपने देश पहुंचाया। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के मध्य एक सेफ कॉरिडोर बनाकर भारतीय ही नहीं अपितु पाकिस्तानी एवं अन्य देशों के युवाओं को भारतीय ध्वज तले अपने अपने घर पहुंचाया गया। भारत की ही पहल से दुनिया की सनशाइन कंट्रीज का इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर विश्व को ऊर्जा संकट से बचाने एवं पर्यावरण प्रदूषण जैसी वैश्विक समस्या से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करने का सफल प्रयत्न किया गया। यह वही देश है जिसके विद्वान धर्मगुरु विश्व को अपने धर्म का परिचय करवाते हैं और विश्व कल्याण के लिए सहिष्णुता और सर्वस्वीकार्यता का पाठ योग एवं अध्यात्म के साथ साथ वैश्विक मंच पर निर्भय होकर पढ़ाते हैं। यह वही देश है जिसने आतंकवाद के विरुद्ध विश्व के देशों को एक मंच किया और यह वही देश है जिसके कारण आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा बन गया। यानी आज भारत वैश्विक एजेंडा तय करने की हैसियत रखता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर आज आम जनमानस को विश्वास हो गया है कि जल्द ही भारत विश्व गुरु बनेगा। जरूरत है तो अपने पुरातन मूल्यों को बचाए रखने की ताकि विश्व हमसे प्रेरणा ले सके, क्योंकि जब जब भी विश्व में संकट आया है तब तब विश्व ने भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा है। अंत में यही कहूंगी कि जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस चीन यूक्रेन सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा।
जय हिंद, जय हिमाचल, नमस्कार।